गांव में बढ़िया काम हो रहा है जैसे होते हैं। नालिया न रोड आए न मकान आया न पानी की नल बोया है। जो हेडपंप थे तो बागेश्वर धाम के आदमियों ने मिटा भी दिए। ना चुनाव होने बूटे नन्ने सुहा जाने घरे द्वारे में लोग बूट दियो जीत गए सीताराम फिर नहीं उन लोग। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इसी रोड से जाते हैं? खराब रोड से रोड पे अबे परसों के दिन अपने तई कीचड़ में खड़ी रहती गुरुजी। कई ऐसी महिलाएं थी जो हमारे साथ बैठी थी ऑफ कैमरा और बता रही थी कि यहाँ गुंडागर्दी चलती है, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। आपको वृद्धा पेंशन वगैरह के पैसे मिले? कुछ नहीं मिला। कहूँ ठोक यहाँ की मेच के ऑफर हमको तो पंजाब पे, इसलिए उन्हें लाडली बहना पैसा दिए तो उनको देना है पंजाब। लाडली बहना के पैसे तो शिवराज ने दिए ना, शिवराज सिंह ने दिए, सोनी को वोट देंगे, फूल वूल नहीं देंगे, पंजाब में देंगे हम। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आनी चाहिए और इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यूपी के जो योगी जी हैं ऐसे ही सीएम और पीएम होने चाहिए। यहाँ आ रहे हैं, ये रोड अच्छी लग रही है आपको? चलते हैं, चलते हैं। राजा ने क्या किया इस गांव के? अब इस गांव में जो खजून पे धर्मशाला बनवा दी एक है और उन्हें मतलब कछु सीसी डरवा दो, अब वह जो कछु करने होंगे सो करेंगे। रोड करवा दो, बढ़िया रोड कर, अंधेरे में जाओ तो हम रोज गिर पड़ेंगे। भैया जो तुम कर लो बात, पर हम होते गिर पड़े थे यही तो गिरे थे, खम्मा लो बचा खोड़ गए थे गिलाए में उड़े से गए थे पूछा था, आज कह रहे कि अच्छा रूट है। इस वक्त मैं जहाँ बैठी हूँ यहाँ से मात्र 20 कदम की दूरी पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम है, जो बागेश्वर सरकार के नाम से यूट्यूब और बाकी जगह जाने जाते हैं, उनका धाम यहाँ से मात्र 20 कदम की दूरी पर है। ये गांव जो है या ये जो इलाका है ये छतरपुर के राजनगर विधानसभा सीट के तहत पड़ता है। छतरपुर का थोड़ा सा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ, जो खजुराहो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से जो भाजपा के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा वो यहाँ से सांसद हैं। जो ये सीट है राजनगर की, यहाँ के जो राजा छत्रसाल के राज परिवार से है ना, नाती राजा ये लोग कहते हैं, जिनका नाम विक्रम सिंह है, वो यहाँ पर 3 बार से विधायक है। पिछली बार मात्र 730 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। उनके खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े हैं वो बीजेपी से हैं, जिनका नाम अरविंद पटेरिया है और वो वीडी शर्मा के बड़े ही खास आदमी बताए जाते हैं, कहा जाता है कि वो राइट हैंड है। अब इधर आना या इस गांव में आने का मकसद ये है कि बागेश्वर धाम के आसपास तो आपको बहुत विकास दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि छतरपुर में अब ये हो गया, खजुराहो में एयरपोर्ट है, लेकिन गांव की क्या हालत है, गांव के लोगों की क्या समस्या है, इनका क्या कहना है, यही जानने समझने के लिए हम इधर आए हैं। गांव कौन सा लगता है ये काकी? गड़ा। अच्छा, तो धाम भी गड़ा गाँव में ही पड़ती है? आपका नाम क्या है? राधा रानी। हाँ। आप कितने साल से इस गांव में रह रही हैं? हम तो जब ब्याह भाव जब से तैयार रहते हैं। जब से ब्याह? हाँ। कितने साल हो गए होंगे? 40-50? हाँ, इतने ही। 40 साल तो हो गए। 40 साल 50 तक हमें हो गए। तो धाम जाने का यही एक रास्ता है या और भी कई रास्ते? ये रास्ता है, एक वो रास्ता है, एक बाईपास, तीन रास्ता हो गयी। तीन रास्ता। तो बाईपास वाला रास्ता अभी बन रहा है? अच्छा, कच्चा है। हाँ बन रहा, बाईपास वाला बन रहा हो और उस साइड वालों कछु पक्को है, कछु नाली आली निकली सो ऐसी गीलो है। अच्छा। और ई वालों पूरा कच्चा है, अगर घुमा कर आप सड़कों का हाल दिखा दे तो उससे एक जो पूरी तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी कि आप देखिए इसी रास्ते के जरिए वहाँ तक जाया जाता है। जो एक रास्ता है वो पक्का है, लेकिन अब भाई भीड़ ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो 2-3 रास्ते लगते हैं, तो ये वाला जो रास्ता है ये अभी बना नहीं है। अब दीदी इधर आइए, हमें बताइए गड़ा गांव में क्या क्या पहुंचा है, पानी पहुंचा है आप लोगों के घर में? नहीं है, पानी नहीं है। पास इधर पास आइए, इधर आइए, इधर पानी है ना, रोड है ना, मकान वकान कुछ नहीं बने, सरकारी मकान ये सब जो बनाया आपने आपके पैसों से बनाया, घर के पैसा से। यहाँ नल जल योजना के तहत जो नल लगना था वो नहीं लगा? हाँ, कौन लगे कौन यहाँ ना नल तो भाई ना रोड उड़ा हुआ जनी ऐसी खुद ही डाई ना नाली है ना रोड आए ना मकान आया ना पानी की नल बोया है, पंप कुछ नहीं है कुछ भी। तो आप लोग के यहाँ पानी फिर कैसे आता है? कुओं से ले आते हैं, बहुत दूर से कुआ से ले आते हैं। हाँ, नहीं हेड पंप भी नहीं है यहाँ,
जो हेड पंप थे तो बागेश्वर धाम के आदमियों ने मिटा भी दिए, यहीं भी कुछ नहीं है, वो उनके हो गए। हाँ भी उनके हो गए। आप लोगों को यहाँ किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा मिला है? अच्छा, नाती राजा यहाँ से विधायक है, राज परिवार से ना, कभी आते हैं विधायक यहाँ? आते हैं, सुबह वहीं सरपंच के घर जाते हैं, वहीं रहते आते, वहीं गांव वाले जाते हैं, यहाँ घर गांव में कोई नहीं आता है। विधायक 5 साल में कभी इस गांव की सड़क पर नहीं आए? नहीं, भी नहीं आए कभी, नहीं ना, नहीं आए। आपने कभी देखा है विधायक को? हम नहीं देखे भाई, हम देखो बाकी को, हां देखो जिन्ना चुनाव होने बूठे नन्ने सुआ जाने घरे द्वारे में लोके बूट दियो जीत गए सीताराम फिर नहीं आन लौट के जो हो जाए। मिली जे 5,000 रुपया बस मिले और नहीं मिलो हमको कुछ नहीं, और ये 1,000 रुपये 4 महीने से बस। हाँ बस यही बस मिले हम लोगों को सरकारी और कुछ नहीं मिला। लाडली बहना का पैसा बता रही है 1,000 रुपये वो जो मिला। ये रोड से ही सब जाते हैं तो जो भी गाड़ियाँ निकल रही हैं हमें देखते हुए जा रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। मम्मी ने 2-3 बार कागज जमा करे, कोई पैसा नहीं आए सरपंच के यहाँ, 2-3 बार कागज जमा कर कर आए, पैसे एक नहीं आ रहा। हाँ पैसा तो नहीं मिला, कब हमने नान पान मिले, गल्ला ना मिले, कुछ नहीं मिला। थे कागज पक्के जमा करे 3-3 बार लो मगर पैसा नहीं। अभी वोट मांगने इस गली तक कौन कौन आया, यहाँ कौन आया? देखो भाई आए थे उनके घर से, आई थी अरविंद पटेरिया जी के घर से, एक बार मांग गई और प्रचार बारी तो रोज फिर रहा। देखो अरविंद पटेरिया खुद नहीं आए? हाँ हाँ उनके घर से आई थी, एक दिन पैदल चल रही थी, गिर गाँव कह गई थी कि फूल में वोट देना और बाकी नहीं आओ कोई नहीं। जैसे प्रचार में भली गाड़ी ले घूम रहे उनके आदमी, नेता नहीं आया, समस्या कोई नहीं सुना। कोई नहीं सुना था भाई, रोड में उनपे तो खुद गीले में उन चली गई थी, मानो पैदल चली गई थी ऐसी। मगर कहा है कि अबे वोट चाहे सो देखो सबई को फिर रहा हूँ, फिर किए हैं उन्हें वोट जीत गए सो सीताराम, फिर नहीं आने कोई सुना ही नहीं है जो हो जाए। एक गीले में उन चली गई थी पैदल। बागेश्वर धाम में तो रोज हजारों लाखों लोग आते हैं, वहाँ कैसे पानी की व्यवस्था होती है? देखो पानी की व्यवस्था जो है कि कछु टैंकर लगे, कछु बोर ओर करा दे तो इनसे आधे आदमी ना मिला पीने हैं, आधे आदमी ऐसी प्यासी लोग भगत चले जा रहे का, सब लोग ना थोड़ी मिल पाऊ। कई लोग गाँव में बोतल ले रहे फिर रहे, कई जे लगवाए आर ओ से जो टंकियाँ आती सो इनको 20 रुपया का बोतल खरीद खरीद पियत आदमी, जो आलू लगे बाहर छतर पर है जैसे अपने जी गंज है माँ से पानी और टम्पू में भर के टेम्पन में टंकी में तो उसे 20 रुपया में एक बोतल पानी खरीदा तो पिया था। तो ये बताइए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इसी रोड से जाते हैं, ये खराब रोड से? पुराना घर यही रोड पे है। अबे परसों के दिन अपने इतना कीचड़ में खड़ी रहती गुरु जी, इतने खड़ी रहती भाई धीरेन्द्र शास्त्री इतना ही होने कराते हैं और वो भी रोड नहीं बनवा लेते। अब्बे क्या करें जे तोपा है सुबह करवा जा रहे, अब्बे पैकरमा को अब सुधार करवा उनने वे तो खूब करवा, मगर अब क्या खूब करवा रहे, अपना धाम बना रहे वो तो। आखिर धाम बन रहा हो अब ना को बनवाए धीरे धीरे, अपना अपना देखते हैं, जनता को नहीं देखते हैं कि अपना बस देखते हैं, अपने धाम को सजाते हैं, जनता हूँ क्या करना, गाँव वाले हूँ क्या करना। अबे का एक रूट और ऐसे भी डरत जा रहा हूँ सीसी रोड पैकरमा का डरवाया भाई धीरेन्द्र शास्त्री पैकरमा का अपना और सुनना नहीं हो रहा हूँ, मई हो रहा जो कुछ हो रहा हूँ। गाँव को नहीं हो पहला अपने मंदिर को कराओ थे, गाँव को नहीं सुना कोई को नहीं। हाँ पगले बिलाज जा सुने खोरी नहीं है, माँ भी तो कीचड़ में गिरा सो माए को सुधरवा रहा है भाई अपनों, जनता बिलाज जा रही। अगर विधायक को आप लोगों को अपनी समस्या बताना हो तो क्या समस्याएं बताएंगी, क्या काम करवाना चाहती हैं आप विधायक से अपने गांव में? नाली निकलवाओ चाहत, रोड डरवाओ चाहत, पानी चाहत, पानी चाहते हैं। आप दीदी क्या चाहती हैं? यही चाहत, यही। बाकी खेती किसानी कैसी है आपकी? तनक मनक भी खावे जो बस ऐसी डरी। पत्थर है जमीन में ढंग की जमीन नहीं है, पजबे वाली पैदम वाली जमीन नहीं है, जो बोलता देखो यही तो जमीन है, अब इसमें का गेहूँ हो जाए, 5-5, 6-6 पानी लगाओ जब थोड़ी खाएँ भाड़ा खड़ा साल भर के बेचे वही नहीं मिला। वो कछुआ मन के पास सही जमीन है तो सही पजत गल्ला जी के पास जैसी जमीन है। ये बताइए कि यहाँ बागेश्वर धाम के लोगों की गुंडागर्दी है? नहीं, जो नहीं है पता, जो नहीं है पता
उन्होंने जो लोगों के ढाबे वाबे गिरवाए गिरवाए हैं पर के गिरे उन पे पूछे उनसे पूछ लो बे खड़ी बे हम भाई जाने कम दी बता दो दीदी इतने आओ ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो ये सारी समस्या बता रहे थे, ऑन कैमरा ये बताने से घबराते हैं डरते हैं। कई ऐसी महिलाएं थी जो हमारे साथ बैठी थी ऑफ कैमरा और बता रही थी कि यहाँ गुंडागर्दी चलती है, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, वो हमारी फ़ोटो देख लेंगे, हमारे वीडियो देख लेंगे तो हमें धमकाएं, उनके आदमी आए महाराज के जो यहाँ पर आदमी है, महाराज माने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके जो आदमी है हमें उनसे डरे कि वो आके हमारी फ़ोटो वीडियो देखने के बाद डराएं धमकाएं, इसीलिए खुलकर इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ के लोगों ने बताई। और आप देखिए कि किसी क्षेत्र का जब आप नाम सुनते हैं तो वहाँ के रहवासियों के लिए आखिर विकास कितना हो रहा है, वहाँ के रहवासियों के लिए क्या काम हो रहा है, इसकी हकीकत जब आप वहाँ के लोगों से बात करो तभी समझ में आता है। काकी और कोई दिक्कत है जो बताना चाहो? हाँ, और नहीं है भाई, कुछ और नहीं है। आपको वृद्धा पेंशन वगैरह के पैसे मिलते? कुछ नहीं मिला, हम नहीं कहते कि ना गल्ला मिले हमें, ना पैसा मिले, ना कुछ नहीं मिला। हमारी माता राम है 70 साल की हैं, कम से कम 70 साल 80 साल की हैं, उनको भी 1 रुपया नहीं मिल रहा। तो आपके यहाँ तो जैसे ना अभी जो विधायक है वो आ रहे, ना वोट मांगने वाले आ रहे, तो आप कैसे तय करेंगे किसे वोट देंगे? प्रधान से कह रहे हैं हम के ऐसे पैसे दबाई तो करिए ना बुढ़ी आदमाने इनके, तो अभी वोट देंगे ना 17 तारीख को, तो ना तो विधायक आ रहे हैं आपके पूछने, ना आपके यहाँ प्रत्याशी आ रहे वोट मांगने, तो कैसे चुनेंगी आप? चुनेंगे के जो सरपंच कह के ना सरकार दो सुमैया सरकार दे, यही हो कह का है जैसे यहाँ आप हुआ आपने कही थे लगा दो सुलो थे लगाओगे चले जाए फौसर भाई, जहाँ पढ़ गए बच्चा आंसू दिया हो गद बद दी हर आँखें बिहार में गई, चाहे पंजाब में जाए चाहे फूल में जाए चाहे जहाँ जाए आमदानी जहाँ विचार पड़ गो सो तो यहाँ दे दो, जैसे आप हो आपने कही फूल में दई फूल में तो फूल में लगा दई, और कौन है कही पंजाब में देना पंजाब तो पंजाब में लगा दई, और कौन है कहीं हाथी में पढ़ू विचार सो दिया भगे बहुत डरू चाच जी। तो आप लोगों को किसी नेता पर भरोसा नहीं है कि कोई मान कराउ था ही नहीं है कछु नहीं, भरोसा तो खूब है भरोसा अब भरोसा तो सब पे है, देखो मोदी जी हैं तो खूब उन्होंने देखो घर बनवाए मकान बनवाए अपनों तो लोग खूब बन गए मकान बन गए, खूब खुशी है हम उनके ऊपर, मगर मां से भी खूब भेजत नीचे के अधिकारी उनके सबरे खाली कर्मचारी मिल पाती नहीं है सुबह क्या करूँ जाए, मोदी जी तो खूब सब दे रहे हैं 1,000 रुपया इन्होंने दे रहे सबके दे रहे, अब आप प्रधान हो आप जमीन बेची जब मकान बनाए वो कौन कछु आमन से बनाए कि हमने कछु आमन से मकान बनाए, अपनी जमीन बेची जब बनाए। आप जैसे वोट देने जाएंगे अभी 17 तारीख को तो कैसे तय करेंगी कौन किसके वादों पे आपको ज्यादा भरोसा हो रहा है? हमको तो पंजाब पे इसलिए उन्हें लाडली बहना पैसा दिए तो उनको देना है पंजाब, लाडली बहना के पैसे तो शिवराज ने दिए ना, शिवराज सिंह ने दिए, सोनी को वोट देंगे फूल उल में ही देंगे पंजाब में देंगे हम तो, हाँ उन्हें ना दे उन्हें को दे देंगे। अबे सुंगा किसने कहा आपसे कि पंजाब ने पैसा दे? कहा नहीं है किसी ने, नहीं तो मुख्यमंत्री को पहचानती है आप? मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह मामा। हाँ तो वो कौन सी पार्टी से है? अब हमें जो नहीं है पता, जो नहीं है पता वो फूल से है कि पंजा से है? एक दिन भी आए थे ना प्रचार करने वाले, हाँ। तो वे कह रहे थे पंजा को वोट देना सब लोग, तो पंजा को देंगे हम तो देखो वे समझा गए इनको कि पंजा वोट देना तो वे पंजा में जाएंगे। सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए, कौन सा भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आनी चाहिए, और इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यूपी के जो योगी जी हैं ऐसे ही सीएम और पीएम होने चाहिए। मध्य प्रदेश के जो मामा जी हैं वो शिवराज जी, वो भी बढ़िया आदमी। क्या काम किया उन्होंने आपके लिए?
हम तो यूपी से हैं, लेकिन हम यहाँ आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि इधर भी विकास हो ही रहा है। रोड का बढ़िया विकास हुआ? अब होगा, होगा जी। 15 साल से मामा जी हैं, रोड का विकास हुआ नहीं, पर होगा, होना चाहिए और होगा। ना तो चाहिए, लेकिन अब तक तो हुआ नहीं 15 साल, अब होगा। और 5 साल इस बार हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ 15 साल से, क्या लगता है? हमारे यूपी में तो योगी जी ने बहुत कुछ कर दिया। यहाँ का आप आए हैं, आप तो बता रहे हैं, आप भाजपा और मोदी जी की तारीफ तो हमें तो अच्छा लग रहा है। यहाँ आ रहे हैं, ये रोड अच्छी लग रही है आपको? चलते हैं, चलते हैं। आप यहीं के ही रहने वाले? नहीं, ये पास ही के गाँव के। इसी गाँव के? हाँ, दूसरे गाँव है, पास ही में है गाँव। ये राजनगर विधानसभा? हाँ, राजनगर विधानसभा। क्या नाम है आपका? खूबलाल यादव। खूबलाल जी, आप क्या काम करते हैं? अपन कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती किस चीज की खेती होती है आपकी? खेती सब होती है हमारे यहाँ, गेहूँ की है और तिली है, राहर है, सब कुछ होती है। कैसी हुई इस बार खेती? बढ़िया राई खड़ी, चलो दिखा दे हम, बैठो और का? पानी वानी बढ़िया? अरे है, हाँ, चेक डैम बनो ना हमारे नरवा में, बहुत पानी है, पर्याप्त है। गाड़ी साइड लगा लीजिए। बताइए, गाँव में कैसा काम हुआ? गाँव में बढ़िया काम हो रहा है, जैसे होते हैं। अब ऐसा हो रहा है कि जैसे पहले हमारे गांव में कुछ काम नहीं था, CC VC नहीं थी, रोड भी नहीं थे। अब तो बढ़िया रोड है, मैं रोड जाओ गांव से, बढ़िया CC है, हर चीज़ है। गांव में क्यों नहीं आ पा रही? कौन इस गांव में रोड क्यों नहीं बन पाई? इस रोड में अब बन रहा है धीरे धीरे, उधर से बने हैं, और जैसे इधर से बन के आते हैं जो पहले बने थे वो देख नहीं रहा आपने? आप प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, वो यहाँ खजुराहो से हैं, कांग्रेस के जो यहाँ से प्रत्याशी विक्रम सिंह है, सुनिए तो पूरा सवाल पहले, वो इतने राज परिवार से इतने सालों से जीतते आ रहे, तो यहाँ रोड तक जैसे बेसिक सुविधा नहीं? अब जी देखो, एक बात है, जैसे अब जो विधानसभा थी जोन, और वो विधायक बनती रही, उन्होंने नहीं करवाया तो कमी उन्हीं की है भाई, जो कोई भी हो भाई, जो तो यानी कि शासन से विधायक अगर दूसरी पार्टी को तो वो करवाएंगे नहीं, वो तो हक सबका मिलता है। इतना ही है कि जैसे फालतू काम नहीं हो सकता, जो जितना हक है उतना तो होगा ना, वो इसीलिए सब क्या करते हैं। बाबा जी नमस्ते, बाबा जी आइए, थोड़ा किनारे खड़े होइए। क्या नाम है आपका बाबा जी? हमारा नाम चौबे जी है। गणेश जी, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? पूजा करते हैं भगवान की। तो क्या करते हैं? अच्छा, पंडिताई करते हैं? हाँ, नहीं पंडिताई नहीं करते हैं, पूजा करते हैं। बस पूजा करते हैं, अपना खुद की पूजा करते हैं, खुद के मंदिर की पूजा करते हैं, शंकर जी की, बब्बा जी की। हाँ, इसी गांव के रहने वाले? इसी रहने वाले हैं। क्या समस्या है यहाँ गड़ा गांव की, बताइए? कोई समस्या नहीं है, बढ़िया आनंद है, सब आनंद है, चकाचक है। कैसा काम किया आपके नेताजी ने? कौन नेता ने? विधायक जी का नाम? विधायक जी का नाम है मनो मुन्ना, नाती राजा। नाती राजा? हाँ, नाती राजा ने क्या किया इस गाँव के? आप इस गाँव में जो कुछ पे धर्मशाला बनवा दी एक है, और उनने मतलब कछु CC डरवा दो, अब वह जो कछु करने होंगे सो करेंगे। बढ़िया रोड कर, अंधेरे में जाओ तो हम रोज गिर पड़े भैया, जो तुम कर लो बात पर होते गिर पड़े थे, यही तो गिरे थे खम्मा बचा खोड़ गए थे, गिलाए में उड़े से चले गए थे, पूछा था आज कह रहे कि अच्छा रूट है, वो तो खा गए थे पछाड़े गिला रहे में, आओ जे गिरे थे पूजा कर है। कहाँ से? जो गंज से राजनगर है रोड गाँव? नहीं, उस रोड पर नहीं, उस रोड से जाओ खजराई किला ने। हाँ। कैसा रोड बन बढ़िया? अरे तो वो तो इतना VIP रोड है, कितने को चाहिए? बुंदेलखंड में ये जरूर है कि इतने सरकास्टिकली बात कर। हाँ, जब उधर नहीं रोड पर बन पाया तो इधर कैसे बन जाएगा, है ना? सही बात है, वहाँ खजुराहो तक ना इतना फेमस मंदिर है, वहाँ तक की रोड नहीं बनी। बुंदेलखंड में बड़ा सरकास्टिकली लोग बात करते हैं, बात सुनते सुनते आपको हंसी आ जाए। अम्मा, चल रहे अब हम? हाँ चलो ठीक। हाँ, कोई और बात जो सरकार से नेताजी से कहना चाहो? कच्छी लड़का ने हमें का कहना है, कच्छी मिला था नहीं हमें, ना क्या चाहती हो? अगर मिले तो आपके लिए क्या दे सरकार? ना हमें गल्ला मिले, न पाई मिले, न पैसा टका मिले, सबका पैसा टका मिला जा। आपको नहीं मिले? नहीं, सबको पैसा मिले, हमें नहीं मिले, जो लाडली बहन और वृद्धा पेंशन वाला है। तो ये गड़ा गांव है, और जो बागेश्वर धाम वाला क्षेत्र लगता है वही क्षेत्र है, राजनगर विधानसभा है, खजुराहो से
15-20 किलोमीटर दूर ही ये जगह पड़ती है। खजुराहो का मंदिर बड़ा फेमस है। और पॉलिटिकल सिनेरियो तो हमने आपको बता दिया, आप देखना होगा कि इस बार विक्रम सिंह फिर विधायक बनते हैं या फिर भाजपा से जो अरविंद पटेरिया मैदान में है वो जीतते हैं, जो वी डी शर्मा के खास है। जो भी चुनावी नतीजे होंगे वो आप तक तो हम पहुंचाएंगे ही, और यहाँ के लोग किस तरह वोट दे रहे हैं, इनका वोट किस पाले में है वो सच भी आपने सुना। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय थे, मेरा नाम सोनल है। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।